जानवी कपूर और ईशान के हाथ से निकली धड़क 2। 900 करोड़ी फिल्म वाली एक्ट्रेस संग गली बॉय स्टार की बैठेगी ट्यूनिंग, संग मिलकर करेंगे रोमांस और पर्दे पर लगाएंगे आग। इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई है फाइनल। दिवाली के मौके पर तृप्ति के फैंस को मिलेगा बड़ा तोहफा। फिल्म धड़क के दूसरे पार्ट में जानवी कपूर और ईशान खट्टर नहीं नजर आएंगे। जी हाँ, अब खुद करण जौहर ने सीक्वल में कास्ट होने वाली जोड़ी के नाम का खुलासा कर दिया है। करण जौहर इस फिल्म के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरे को एक साथ लेकर आने वाले हैं, जिसका ऐलान एक मोशन पोस्टर के साथ किया गया है। इस फिल्म का मोशन पोस्टर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। फिल्म धड़क 2 की पहली झलक शेयर कर दी गई है, जो एक एनिमेटेड रोमांटिक वीडियो है। फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि किसी दुख भरी कहानी पर यह बेस्ड होगी। शुरुआत में खून से लिखा आता है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी। करण जौहर ने धड़क 2 की रिलीज डेट का भी खुलासा किया है। सिद्धांत चतुर्वेदी और चरित्री डिमरी की अपकमिंग फिल्म सिनेमाघरों में 22 नवंबर 2024 को रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं इस बार धड़क 2 की प्रेम कहानी बहुत अलग होने वाली है। करण जौहर ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ये कहानी है थोड़ी अलग, क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। हालांकि फिल्म को फ्लोर पर कब से ले जाया जाएगा इस बारे में करण जौहर ने कुछ भी रिवील नहीं किया है, लेकिन रिलीज डेट को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म का डायरेक्शन शाजिया इकबाल करेंगी। बता दें, जानवी कपूर और ईशान खट्टर स्टारर धड़क 2016 में रिलीज हुई थी। वाला आप बताइए, धड़क 2 देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।